कहां है ईश्वर, यहां या फिर सातवें आसमान पर या फिर इस ब्रह्मांड से परे किसी और ब्रह्मांड में स्थित करोड़ों आकाश गंगाओं में से किसी एक आकाश गंगा में स्थित अरबों खरबों सूर्यों में से किसी एक सूर्य के सौर परिवार में मौजूद ऐसी ही पृथ्वी पर जिसे इस पृथ्वी के लोगों ने नाम दिया है सत्यलोक, वहां है क्या? वहां बैठा है सिंहासन पर अथवा तखत पर या फिर सब जगह है? एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ईश्वर रहता कहाँ है। आप में से तमाम कह देंगे कि ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, परंतु आप जैसी विचारधारा वाले ही सारे लोग नहीं हैं। कई कहते हैं सातवें आसमान पर है, कई कहते हैं कि सत्य लोक में है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ईश्वर है कहाँ। आज के इस वीडियो में हम किसी ग्रंथ की बात नहीं करेंगे, किसी मंत्र की, किसी श्लोक की, किसी दोहे की चौपाई की या किसी ऋषि के पद की बात नहीं करेंगे, किसी धर्म गुरु की बात नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तर्कों की। तर्क के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ईश्वर कहीं दूर रहता है अथवा हर जगह मौजूद है। इसी पर बात करेंगे दास नरेश चौहान अंकारी और आप देख रहे हैं चैनल यही है सच। मनुष्य का एक वर्ग ईश्वर को साकार रूप में मानता है, जैसे राम कृष्ण रूप में, विष्णु रूप में, और मानता है शिव रूप में। और एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि ईश्वर है लेकिन पृथ्वी से दूर कहीं बहुत दूर किसी और लोक में बैठा है, सत्य लोक या कोई और लोक, मनुष्य रूप में। मनुष्यों का एक बहुत बड़ा वर्ग वह है जो ईश्वर को निराकार मानता है। उनका कहना है कि ईश्वर निराकार रूप में सर्वत्र विराजमान है, सृष्टि के कण कण में मौजूद है, जरे जरे में मौजूद है, हर लोक में है, पृथ्वी पर है, लोक से परे हर आकाश गंगा में है, हर ब्रह्मांड में है, सब जगह मौजूद है ईश्वर। और ऐसा ईश्वर निराकार ही है और निराकार रूप में ही सब जगह विराजमान है। हर वस्तु में ईश्वर है और हर वस्तु ईश्वर के अंदर है। ईश्वर को साकार मानने वालों को आपने अक्सर यह कहते जरूर सुना होगा कि यदि ईश्वर हर जगह मौजूद है, सृष्टि के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, तो फिर ऐसा समाया हुआ ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देता। तो इस प्रश्न के उत्तर पर आने से पूर्व दास आपको अपनी मान्यता से अवगत कराना जरूरी समझता है। दास का मानना है कि ईश्वर तत्व रूप से निराकार ही है, परंतु अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए यह साकार रूप में धरती पर प्रकट होता रहता है। कभी अपनी कम कलाओं के साथ और कभी अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ ईश्वर हर समय अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए धरती पर मौजूद रहता है। एक आवाज जो आप अक्सर रोज पांच पांच बार सुनते हैं, अल्लाह अकबर, इस्लाम से आवाज आती है। इसका अर्थ है अल्लाह बहुत बड़ा है, ईश्वर बहुत बड़ा है, इसलिए जो बहुत बड़ी चीज है ना वो नजर आनी ही चाहिए, लेकिन जो सूक्ष्म चीज है वो नजर नहीं आती। अब उस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं जिसमें ईश्वर को साकार मानने वाले कहते हैं कि यदि ईश्वर सृष्टि के कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, तो आखिर दिखाई क्यों नहीं देता। हम सब स्थूल शरीर वाले हैं, ये आंखें भी हमारी ना स्थूल ही है, इन्हें हम चर्म चक्षु कहते हैं, और स्थूल आंखों से केवल स्थूल वस्तुओं को ही देखा जा सकता है, सूक्ष्म वस्तुओं को नहीं देखा जाता है। सूक्ष्म वस्तु होने का अर्थ यह नहीं है कि वो बहुत छोटी हो। वायु सूक्ष्म है, हर जगह मौजूद है, दूर दूर तक मौजूद है, लेकिन इसका स्वरूप, इसका गुण सूक्ष्म है, इसलिए ये सूक्ष्म वायु इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती। इसी तरह से आवाज मुंह से निकल रही है, सब सुन रहे हैं लेकिन इसे देख नहीं सकते, क्योंकि इसका स्वरूप भी सूक्ष्म है। और जीवात्मा जो शरीर के अंदर रहता है, ईश्वर का अंश है, वह भी अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए कोई भी नंगी आंखों से ना वायु को देख सकता है, ना आवाज को देख सकता है, और ना ही जीव आत्मा को देख सकता है। और इसी तरह से यद्यपि ईश्वर बहुत अधिक विशाल है, यद्यपि वायु भी बहुत बड़ी, बहुत अधिक दूर तक मौजूद है, लेकिन स्वरूप सूक्ष्म है, इसी तरह से ईश्वर भी अनंत है, लेकिन स्वरूप तो ईश्वर का भी सूक्ष्म ही है, इसलिए सूक्ष्म ईश्वर इन स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। अत्यंत सूक्ष्म ईश्वर को देखने के लिए सबसे पहले हमें ईश्वर के बारे में जानना पड़ता है।
और ईश्वर के बारे में जानने के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो ईश्वर को जानते हो, जिन्होंने ईश्वर को देखा हो। ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जब हम ईश्वर को जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं तो वो हमें ईश्वर के बारे में बताते हैं, और जब हमें ईश्वर के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाती है तो वो व्यक्ति जिसे हम गुरु कहते हैं वो हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं, जिसे ज्ञान का नेत्र कहते हैं। जब ज्ञान का नेत्र खुल जाता है तो ईश्वर जो सूक्ष्म है अत्यंत विशाल नजर आने लगता है। सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, जहां तक भी नजर जाती है हमें केवल और केवल ईश्वर ही दिखाई देता है। ऐसा दास के साथ हो चुका है। ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र खुलते ही व्यक्ति आश्चर्य से भर जाता है, वो अचंभे से चारों तरफ देखने लगता है, वो हर तरफ ईश्वर को ही देखता है। वो कहने लगता है, अरे मैं तो पहले से ईश्वर में रह रहा था और मुझे पता ही नहीं था। मेरे तो आगे भी ईश्वर है, मेरे तो पीछे भी ईश्वर है, मेरे तो बाएं भी ईश्वर है, मेरे तो दाएं भी ईश्वर है, ऊपर भी ईश्वर है, नीचे भी ईश्वर है, हर तरफ ईश्वर ही ईश्वर है, और ये सारा चराचर ईश्वर में ही नजर आने लगता है। दास के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब दास ने सतगुरु की कृपा से ईश्वर का दर्शन किया था। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि ईश्वर साकार रूप में इस पृथ्वी लोक से दूर कहीं किसी और आकाश गंगा में किसी पृथ्वी जैसे ग्रह पर, जिसे सत्य लोक या कुछ और कहा जाता है, बैठा है इंसान रूप में किसी सिंहासन पर या तख्त पर, तो फिर वो एकदेशीय होगा ना, क्योंकि जो एक ही स्थान पर बैठा हो उसे एकदेशीय ही तो कहेंगे, सर्वदेशीय नहीं कहेंगे। परंतु ईश्वर को तो कहा जाता है सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, सबका कर्ता, सर्व का धर्ता, सर्वज्ञ। आखिर क्यों? अगर एक देशीय है तो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? यदि एक ही स्थान पर है तो सर्वांतर्यामी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है सर्वनियंता? इसका अर्थ यह है कि ईश्वर एक देशीय नहीं है, सर्वदेशीय है। सर्वदेशीय का मतलब हर स्थान पर मौजूद है। परंतु इस पर वे जो ईश्वर को साकार मानते हैं कहते हैं कि सूरज की किरणें निराकार रूप में हर जगह मौजूद हैं, परंतु सूर्य साकार रूप में एक ही स्थान पर मौजूद है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सूरज की किरणें हर जगह मौजूद नहीं है। किसी बंद कमरे अथवा बेसमेंट में सूरज की किरणें नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि सूरज की किरणें पृथ्वी के केवल उस भाग पर होती हैं जिस भाग में दिन होता है। जिधर रात्रि होती है ना, उधर तो सूरज की किरणें होती ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे आप बड़े ध्यान से सुनना, वह यह है कि सूरज की किरणें होती हैं, सूरज नहीं होती। परमात्मा की आभा होती है, परमात्मा नहीं होता। परंतु कहा तो यह गया है ना कि ईश्वर तो हर जगह मौजूद है, ये तो कहीं नहीं कहा गया कि ईश्वर की आभा हर जगह मौजूद है। एक बात और समझने की है कि क्या किसी अप्राप्य देश में कर्ता के बिना कार्य संभव है? मतलब अगर कर्ता नहीं है तो क्या कार्य होगा? कार्य तभी होगा जब कर्ता होगा ना। अगर मशीन भी है और चीनी बन रही है फैक्ट्री में, तभी तो बन रही है जब मशीन है। अभी यदि मशीन ही नहीं होगी तो क्या चीनी बनेगी? कर्ता नहीं होगा तो क्या कार्य होगा? अब आप यू भी कह सकते हैं कि कर्ता कोई और है, आदेश दे रहा है। अगर आदेश भी दे रहा है तो कार्य तो कोई व्यक्ति ही कर रहा है, कार्य तो कोई मशीन ही कर रही है। कैसे संभव है कर्ता के बिना कार्य का होना? हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, तो उसके पीछे कारण है ना, कर्ता है ना। बादल करता है तो पानी बरस रहा है, वायु दाब है, कहीं हल्की वायु है, दूसरे स्थान पर भारी वायु है, तो भारी से हल्के की तरफ को चलेगी। कारण कार्य कर रहा है और कार्य कर रहा है कर्ता। क्या ऐसा संभव है कि कर्ता ही ना हो और कार्य हो जाए? अब चलिए एक नजरिए से और देखते हैं कि यदि इस पर साकार होगा तो फिर सीधा सा अर्थ है कि वह परिच्छिन्न भी होगा, वो परिमित होगा। अपरिमित नहीं होगा, मतलब उसकी अपार शक्तियां हो ही नहीं सकती। किसी भी साकार चीज की अपरिमित शक्तियां नहीं होती। हाथी की भी शक्ति सीमित है, डायनासोर की भी शक्तियां सीमित ही होती थी। और साकार यदि है तो फिर छेदन भी होता होगा,
परिच्छेदन भी होता होगा, तो फिर ज्वर भी आता होगा, पीड़ा भी होती होगी, कष्ट भी होता होगा, तृष्णा भी होती होगी, क्षुधा भी लगती होगी, परंतु ईश्वर के बारे में तो कभी ऐसा सुना ही नहीं। ईश्वर के बारे में तो यह सुना है कि ईश्वर सर्वनियंता है, सर्वांतर्यामी है, सबके घट में बसने वाला है, कभी भी ईश्वर गुणों में नहीं आता। ईश्वर निर्गुण है, गुण ईश्वर में है ही नहीं, समस्त गुणों से परे है, ईश्वर के बारे में तो ऐसा सुना है। इन सब से परे साकार हो ही नहीं सकता, केवल निराकार ही हो सकता है। अब अगली बात कि ईश्वर सब जगह मौजूद है तो आखिर दिखता क्यों नहीं है। अब आप बताइए ना कि एक बर्फ की सिल्ली ले लीजिए, आप सवाल कीजिए कि उस बर्फ की सिल्ली में पानी कहाँ है, जवाब तो आप जानते हैं ना। मिश्री की डली में आप पूछे कि मिठास कहाँ है, तो क्या कहीं अलग अलग ढूंढेंगे। दूध में यदि आप कहें कि इसमें घी कहाँ है, तो आप बताइए घी कहाँ है। हर में बर्फ की सिल्ली हो, मिश्री की डली हो, या फिर दूध हो, हर जगह घी भी है, हर जगह मिठास है, हर जगह पानी है। मिट्टी के ढेले में आप पूछे इसमें मिट्टी कहाँ है, हर जगह मिट्टी ही है। इस निराकार में जो सारा संसार दिखता है, परमात्मा कहाँ है, हर जगह है, लेकिन दिखता कब है, तब दिखता है जब गुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आज तक असंख्य लोगों ने ईश्वर को निराकार रूप में देखा है, यद्यपि ईश्वर निर्गुण है, समस्त गुणों से परे है, परंतु महात्माओं ने, संतों ने, गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने इसमें गुण देखे, और जैसा गुण देखा वैसा ही नाम रख दिया, खुद आया, इसलिए खुदा कहते हैं, सबसे आला है इसलिए अल्लाह कहते हैं, कण कण में रमा हुआ है इसलिए राम कहते हैं, इसका कभी नाश नहीं होता इसलिए इसे अविनाशी कहते हैं, इसे जर नहीं लगता इसलिए अजर है, ये मरता नहीं है इसलिए अमर है, ये रहमत करता है इसलिए रहीम है, ये कर्म करता है इसलिए करीम है। आपने क्या नाम रखा है इसका, बताने की कृपा करना कमेंट में।